नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा कपूर। आज का हमारा टॉपिक है, बच्चे स्टिमिंग या सेल्फ स्टिमुलेशन क्यों करते हैं। ऐसे तो हमने देखा होगा बहुत सारे नॉर्मल बच्चे जिनको ऑटिज्म की डायग्नोसिस नहीं है, वो भी अगर खुश होते हैं या उनको कोई मनपसंद टॉय मिल जाता है तो वो अपना हैंड फ्लैपिंग करते हैं। तो इसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं कि हम खुश हुए इसलिए हमने अपने आप को स्टिमुलेट किया। तो ऐसे ही जो हमारे बच्चे हैं ऑटिज्म वाले, वो भी कई बार जो है ऐसे स्टिमुलेटरी या सेल्फ स्टिमिंग वाले बिहेवियर शो करते हैं। बट इनमें हमें रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ये बच्चों के आगे कम्युनिकेशन में, उनको किसी दूसरे से बात करने में बाधा डालते हैं, और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हम इन बच्चों में बंद करनी ज़रूरी होती है। सो आप जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो पहला कारण, कई बार ये जो सेंसरी फिनोमिनाज होते हैं जिससे जो है हम अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, जैसे नज़र से देखना, कान से सुनना, किसी को फील करना टैक्टाइल से, कई बार ये सारे सेंसरी फिनोमिनाज ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, और जब ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं तो जो है हमें ये स्टिमिंग के तौर पर दिखते हैं। दूसरा कारण है, कई बार ये सेंसरी फिनोमिनाज हाइपो या अंडर स्टिमुलेटेड होते हैं, कि बच्चे को जो है सुई भी लग गई बट फिर भी वो रोया नहीं, उसको जो है कोई गिर भी गया फिर भी, उसको चोट भी आई, खून भी निकला फिर भी वो रोया नहीं। तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चे अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए ये स्टिमिंग फिनोमिनास करते हैं। सो दोनों माध्यम से जो है हमें स्टिमिंग दिखती है, हाइपोस्टिमुलेशन और हाइपर स्टिमुलेशन। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जो है अगर बच्चे को हाइपो है तो स्टिमुलेशन उसकी वजह से जो है स्टिमिंग कर रहा है, तो हम जो है उसकी जो सेंसरी प्रोफाइल है उसमें हाइपर उसको जो है एट लेवल लाने की कोशिश करेंगे, और अगर हाइपर की वजह से स्टिमिंग कर रहा है तो हम उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा कारण है, कई बार बच्चों को देखा है हेड बैंगिंग करते हुए, तो माना जाता है जब वो हेड बैंगिंग करते हैं तो उनके एंडोर्फिन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है जो उनको खुशी देता है, उनको अच्छा लगता है, इसकी वजह से वो हेड बैंगिंग करते हैं। नेक्स्ट कारण है, कई बार आपने बच्चों को देखा होगा अंगूठा चूसते हुए, तो ये अपने आप को सेल्फ सैटिस्फाइंग बिहेवियर है, तो ये भी एक तरह की स्टिमिंग है कि हम अंगूठा चूस रहे हैं, या अपनी माँ का जो है दुपट्टा जो है वो हाथ से ऐसे रब कर रहे हैं और तभी हमें नींद आती है, तो ये आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण है कि जो है मुझे अगर अपने आप को खुशी शो करनी है या एंगर शो करना है तो मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, तो भी मैं स्टिमिंग करूंगा। तो ये सारे कारण हमें इसलिए जानने जरूरी हैं क्योंकि इनमें से किस कारण की वजह से हमारा बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, अगर हम वो कारण जान पाएंगे हम तभी उसको बेटर कर सकते हैं और हम उसकी स्टिमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि एक पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जैसे कि जो है अगर बच्चे के कान में दर्द है, हो सकता है वो फिर स्टिमिंग ज़्यादा बढ़ा दे, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उसके कान में पस आ रहा हो, उसको माइग्रेन हो, इस कारण की वजह से भी जो है बच्चे स्टिमिंग बढ़ा देते हैं। तो अगर ये कारण है तो इनको प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, ताकि जो है अगर ये सारे कारण हैं उनको ट्रीट करेंगे तो स्टिमिंग वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, कई बार बिहेवियर थेरेपी में हम लोग इस स्टिमिंग को यूज़ करते हैं अच्छे बिहेवियर लाने के लिए, कि अगर तुमने किसी बच्चे से बात करी, उसको हेलो किया, तो मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए हैंड फ्लैपिंग करने दूंगी। सो यहाँ पे हम स्टिमिंग को यूज़ करते हैं बनिस्पत उसको पूरा बंद करने के बजाय, यूज़ करते हैं अच्छे दूसरे नए बिहेवियर्स को, अच्छे बिहेवियर्स को डेवलप करने के लिए। तीसरा तरीका है कि जो है ये बच्चे अगर बहुत ज़्यादा स्टिमिंग कर रहे हैं तो फिर इनकी सेंसरी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर वो विजुअल स्टिमिंग ले रहे हैं तो विजुअल की एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, अगर वो ऑडिटरी स्टिमिंग ले रहे हैं तो ऑडिटरी की एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से उनका प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूल जो है वो बनना चाहिए। चौथी चीज़, प्लीज़ आपको पेशेंस रखना होगा, एक सेंसरी एनवायरनमेंट आपको रखना होगा, ताकि जो है बच्चा जो है उसमें स्टिमिंग कम करे और नए बिहेवियर्स, अच्छे बिहेवियर्स सीखता जाए। इसके लिए आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास, सेंसरी इंटीग्रेशन वाले के पास बैठ के इसका प्रोग्राम जो है वो सेट करना होगा। और यकीन मानिए, अगर जो है इसमें आप कमती कर देंगे तो छोटे मोटे सेंसरी बिहेवियर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा बच्चा आगे बढ़ता जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग. धन्यवाद.